चित्रकूट के घाट में भय संतन के भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल देसी स्टेशन। देसी स्टेशन इस वीडियो में आपको घुमाएंगे चित्रकूट धाम और यहाँ के सारे लोकेशन। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में और घूमिए चित्रकूट। चित्रकूट में ही भगवान श्री राम, उनके अनुज लक्ष्मण और माता सीता ने अपने वनवास का सबसे ज्यादा समय व्यतीत किया। चित्रकूट में ठहरने के लिए सारी व्यवस्थाएं हैं। यहाँ पे आश्रम, होटल्स और धर्मशाला भी है। सो फ्रेंड्स, अभी हम हैं चित्रकूट के रामघाट में। रामघाट वही दिव्य जगह है जहाँ पे तुलसीदास जी को रामचंद्र जी के दर्शन हुए थे और उन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। रामघाट वो घाट है जहाँ प्रभु राम नित्य स्नान किया करते थे। मंदाकिनी नदी के तट पर बने रामघाट में पूरे दिन धार्मिक क्रियाकलाप चलते रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि चित्रकूट की पावन भूमि के कण कण में आज भी श्री राम, लक्ष्मण और सीता के चरण अंकित हैं। शाम के समय रामघाट का माहौल देखने लायक होता है। यहाँ पे हो रही आरती और बोटिंग का मजा आप जरूर लें। इसी घाट पर आगे राम भरत मिलाप मंदिर है और घाट के किनारे गोस्वामी तुलसीदास की प्रतिमा बनी हुई है। चित्रकूट की अगली कड़ी में अब हम आगे बढ़ रहे हैं कामतानाथ मंदिर की ओर। कामतगिरी पर्वत वो विशेष जगह है जहाँ पर श्री रामचंद्र जी, माता सीता और लक्ष्मण ने 11.5 साल निवास किया। यहाँ पे स्थित प्रभु कामतानाथ को श्री रामचंद्र जी का ही एक रूप माना जाता है। यहाँ आने पर श्रद्धालु कामतगिरी पर्वत की परिक्रमा जरूर करते हैं। रामघाट और कामतानाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं गुप्त गोदावरी की ओर। रामघाट से गुप्त गोदावरी पहुंचने के लिए आपको 13 किलोमीटर का सफर पूरा करना होगा। ये सफर आप ऑटो या टैक्सी से पूरा कर सकते हैं। गुप्त गोदावरी में एंटर करने के लिए आपको 20 रुपए पर हेड का टिकट कलेक्ट करना होगा। तो फ्रेंड्स, अब हम एंटर करने वाले हैं गुप्त गोदावरी की गुफाओं में। यहाँ पहुँचने के लिए आपको लगभग 100 सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जानी होंगी। यहाँ पे 2 नेचुरल गुफाएं हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम एंटर करने वाले हैं गुप्त गोदावरी की पहली गुफा में। इस गुफा में आपको थोड़ा संभल के चलना होगा क्योंकि दोनों साइड से पत्थर हैं। ये कम्प्लीटली नेचुरल केव है और इसके अंदर माता सीता का मंदिर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या है। आगे बढ़ने पर एक कुंड और छोटा सा मंदिर है। इस गुफा का एक्सपीरियंस तो काफी यूनिक और एडवेंचरस है। अब आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, एक गुफा से हम दर्शन करके निकल चुके हैं। अब हम जाएंगे दूसरी गुफा में जो कि है पानी वाली गुफा। कहा जाता है कि वहाँ पे घुटने तक पानी आ जाता है, तो चलिए हमारे साथ। इस गुफा में तो सच में पानी भरा हुआ है और ये कोई आर्टिफिशियल वाटर नहीं है। इसका सोर्स इसी गुफा में ही है जहाँ पर से वो कुंड निकला हुआ था। गुफा में आगे बढ़ते बढ़ते पानी घुटनों से थोड़ा ऊपर भी चला जाता है। ये बहुत अलग एक्सपीरियंस था। हमारा अगला डेस्टिनेशन है सती अनुसुईया आश्रम। गुप्त गोदावरी से सती अनुसुईया पहुंचने के लिए आपको 11 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। ये डिस्टेंस आप ऑटो या टैक्सी के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। सती अनुसुईया आश्रम विंध्य पहाड़ से सट कर बनाया गया है, जिसके पीछे ही मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल है। इस आश्रम में रामायण काल की सारी घटनाओं को झांकी के रूप में दिखाया गया है। साथ ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश को बाल रूप में माता अनुसुईया के द्वारा पालने में झुलाते हुए दिखाया गया है। सती अनुसुईया आश्रम के दर्शन के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं स्फटिक शिला की ओर। स्फटिक शिला में प्रभु श्री राम के चरण अंकित हैं। माना जाता है कि यहाँ पर से माता सीता और प्रभु श्री राम चित्रकूट की सुंदरता निहारते थे। उसी समय एक कौए ने माता सीता के पैर में चोंच मारी और उसका दंड देने के लिए श्री रामचंद्र जी ने उस पर तिनके का बाण चलाया।
इसलिए प्रभु के पैर और उनके घुटनों के निशान स्फटिक शिला पर अंकित हैं। स्फटिक शिला की कहानी यहाँ के पंडितों के द्वारा आपको वहाँ पर बताई जाएगी। ये सब डेस्टिनेशंस विजिट करने के बाद हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है हनुमान धारा। लंका दहन के बाद हनुमान जी को शीतलता प्रदान करने के लिए इस धारा को प्रभु श्री राम ने उत्पन्न किया था। तब से इस धारा का नाम हनुमान धारा है। यहाँ आने के लिए आपको 500 सीढ़ियां चढ़कर आनी होंगी। ये धारा हनुमान जी की मूर्ति के पीछे से प्रकट होती है और आके एक कुंड में समाती है। पंचकोसी परिक्रमा मार्ग में ही सारे मंदिर मिल जाते हैं। वैसे तो चित्रकूट आध्यात्मिक और धार्मिक जगह है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐतिहासिक प्रतीक भी हैं। चलिए उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। चित्रकूट विजिट की अगली कड़ी में हम आपको लेकर आए हैं गणेश बाग में। ये एक पुरातात्विक स्थान है। ये 19वीं शताब्दी में पेशवा महाराजाओं के द्वारा बनवाया गया है। यहाँ एंट्री के लिए कोई भी टिकट नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसा है गणेश बाग। गणेश बाग में एंटर करते ही सबसे पहले आप पाएंगे इस बावली को, जिसमें सीढ़ियां नीचे की ओर जाती हैं। ये बावली काफी लंबी है और इस लोकेशन पे बहुत अच्छी फोटोग्राफी भी होती है। गणेश बाग में आप मॉर्निंग से इवनिंग किसी भी टाइम पे आ सकते हैं। इसका कैंपस बहुत बड़ा है। 19th सेंचुरी में बनाए गए ये स्ट्रक्चर्स काफी अट्रैक्टिंग है, लेकिन इसे थोड़ी मेंटेनेंस की जरूरत है। ये मंदिर यहाँ का मेन अट्रैक्शन है। किसी समय इसके गर्भगृह में यहाँ की प्रतिमा रखी होगी, फिलहाल ये खाली है। गणेश बाग में मंदिर के गर्भगृह में तो कोई मूर्ति नहीं है, लेकिन यहाँ की दीवारों पर काफी देवी देवताओं की संरचनाएं बनी हुई हैं। यहाँ की सीलिंग और स्ट्रक्चर देखने लायक है। ये दो मंजिला इमारत है, जिसमें ऊपर जाने के लिए भी सीढ़ियां बनी हुई है। ये कार्विंग उस जमाने में पत्थरों पे की गई है। देखने में ये खजुराहो की तरह लगती है। गर्भगृह के ऊपर गुंबज पर ऐसी आकृतियां बने होने के कारण ही इसे मिनी खजुराहो भी कहा जाता है। ये सैंडस्टोन पर हाथों से करी गई कारीगरी है, जो काफी यूनिक और ब्यूटीफुल है। आई होप कि आपको आज का इस चित्रकूट व्लॉग का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। हम इस चैनल पर इसी तरह के नए नए ट्रैवल डेस्टिनेशन पर वीडियोस बनाते रहते हैं।